Today we are going to start exercise 1A of book 1 and this is 7th edition और इसमें हम जो सीखने जा रहे हैं आज हम सीखेंगे, मैंने कुछ चीज़ें सामने लिख ली हैं ताकि मुझे भूल जाती हैं फिर वीडियो बनाते हैं तो मैंने नोट डाउन की हैं तो आप भी नोट कर लें। हम इसमें सीखेंगे नंबर और न्यूमरल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करना हमने आज इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे हम, उसके बाद हम सीखेंगे टेबल ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बाद हम सीखेंगे प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर और फिर हम सीखेंगे कि कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एक नंबर जो है वो प्राइम है कि कॉम्पोजिट। तो एक क्वेश्चन में आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे और ये जो अगर 5 या 6 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से 10 चीज़ें होंगी, ये 10 चीज़ें आपको आगे 10 साल काम ज़रूर आएंगी। तो इस वीडियो को अगर देखें पूरा और अपने नोट्स खुद बनाएं, कॉपी पेन से ले लें, कॉन्टेंट्स लिख लें, तो इनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मतलब पहली बात हम करेंगे कि नंबर और न्यूमरल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम बहुत से लोग यही सोचते हैं कि नंबर और न्यूमरल में कोई फ़र्क नहीं है, बेसिकली बहुत से लोगों को न्यूमरल का पता ही नहीं न्यूमरल्स क्या होते हैं। बेसिकली नंबर इज अकाउंट और मेजरमेंट दैट इज़ इन योर माइंड, ठीक है, इट्स एन आइडिया। लेकिन जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए कुछ सिंबल यूज़ करते हैं, उसको लिखते हैं, तो वो न्यूमरल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 इट्स अ नंबर, बट 4 दिस इज अ न्यूमरल। सो ये डिफरेंस है कि न्यूमरल जो होते हैं वो किसी भी चीज़ का सिंबल होते हैं। अब हमारे पास ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं, इसके बाद रोमन न्यूमरल्स होते हैं और भी बहुत से हैं, चाइनीज़ वगैरह अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाते हैं। एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि नंबर और न्यूमरल में क्या डिफरेंस है, याद रखिएगा जो लिखा होता है वो न्यूमरल होता है, ठीक है, जो लिखा नहीं होता वो नंबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ थी इवन एंड ऑड नंबर। बेसिकली ये जो हमारा नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों है, बिकॉज उसमें 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं हम। 10 डिजिट्स कौन से यूज़ करते हैं, 0 अगर आपको नज़र आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। सो टिल 9 वी हैव 10 डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जितने भी न्यूमरल्स हमारे बनते हैं वो इन्हीं 10 डिजिट्स को मिक्सअप करके बनाते हैं। अब इसमें से आप नोट डाउन कर लें, इनको डिवाइड किया गया है इवन और ऑड्स में, ठीक है। अब हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर इवन हैं, ठीक है। अगर आप इसको, बहुत से लोग ये भी कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन है, ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपके पास 10 डिजिट्स हैं, आप 0 पे खड़े होकर एक एक स्किप करते जाएं तो आपको मिलते जाएंगे इवन नंबर्स। सो इन नंबर्स को याद कर लें, दूसरों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। अब ये नंबर जिन नंबर्स के एंड पे होंगे वो डेफिनेटली इवन नंबर्स होंगे, लाइक 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 3, 1, 7, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है इतना बड़ा नंबर जो है ये इवन है कि ऑड है, तो इतने रफड़ में बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटीज ना पैदा करें। तो इसमें सिंपल है, आप लास्ट डिजिट चेक करें, ये इवन है कि ऑड है, 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नहीं है, ये ऑड है, तो ये नंबर भी ऑड होगा। सपोज़ अगर ये एंड होता 6 से तो ये इवन नंबर होता, और ये अगर इवन नंबर होता तो ये 2 से डिवाइड भी हो जाता, क्योंकि जितने इवन नंबर्स हैं इट्स अ पोस्टुलेट ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 2 को भी, 0 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। सो ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन, सिंपल, ठीक है, एंड ऑल द नंबर्स दैट आर इवन डिविजिबल बाय 2, सिंपल। मेरे ख्याल से मैंने दोनों चीज़ें फिर वही बोल दी है ना, तो डिविजिबिलिटी रूल में हम चेक करते हैं ना, इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो डेफिनेटली वो 2 से डिविजिबल होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप आगे इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब दो चीज़ें हमने सीख ली, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नंबर इज़ एन आइडिया, ठीक है, वॉट एवर इन योर माइंड, जब उसको आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो न्यूमरल कहलाता है, लाइक दिस 4 इज न्यूमरल। उसके बाद ये भी आ जाता है कि डिजिट्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे जो है ना वर्ड डिफरेंट अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है, इसी तरह जो एक न्यूमरल होता है लाइक 3, 4, 5, दिस इज 345, सो इट इज़ मेड अप ऑफ 3, 4 and 5, दीज आर नोन एज डिजिट्स। 345 इज़ अ न्यूमरल, इफ इट इज़ इन योर ब्रेन इट्स अ नंबर, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं सो होल टोटली ये आपको एक न्यूमरल मिलता है, लेकिन इट इज़ मेड अप ऑफ डिजिट्स, 3, 4 and 5 आर डिजिट्स, दीज डिजिट्स,
ठीक है, एक और बात हो गई हमारी, हमने ये सीख लिया नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स कैसे पहचानते हैं और ऑड नंबर्स क्या पहचानते हैं। मैं वीडियो फास्ट बनाता हूँ क्योंकि छोटी वीडियो बने और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख सकें। उसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में आपने थोड़े से रूल्स सीखने हैं, उसके बाद आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। उसमें क्या है, ठीक है, देखें डिविजिबिलिटी रूल बाय टू, ऑल द इवन नंबर, या सिंपल ऑल द, हाँ ये याद रख लिया, ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल टू बाय टू, ठीक है। अगर तमाम नंबर्स जो हैं वो इवन है वो टू से डिवाइड होंगे, ठीक है। ऑल द नंबर्स दैट आर इवन आर डिविजिबल बाय टू, डिविजिबिलिटी रूल टू का यही है, ठीक है। या एक आसान तरीका ये है, कोई भी नंबर लिखा हो उसका लास्ट डिजिट देखें, लाइक ये सिक्स है, अगर सिक्स टू से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी टू से डिवाइड हो जाएगा। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्री का डिविजिबिलिटी रूल। टू का डिविजिबिलिटी रूल आ गया, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल आ गया, मतलब टू का हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। इवन नंबर्स होंगे तो वो टू से डिवाइड होंगे, ऑड होंगे तो वो नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो होगी वो थ्री होगी। तो थ्री से हम कैसे चेक करेंगे नंबर, सपोज एक नंबर है हमारे पास, मैं छोटा नंबर ले लेता फॉर एग्जांपल 27, ठीक है। ये हमें सीधा सीधा पता है कि ये थ्री से डिवाइड होगा, लेकिन इसको चेक करने का तरीका ये है और यही तरीका आगे बड़े नंबर्स पर भी अप्लाई होगा। लाइक आप टू प्लस सेवन करें, टू प्लस सेवन करेंगे हमारे पास नाइन आ जाएगा। नाइन अगर थ्री से डिवाइड होता है तो ये नंबर थ्री से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो नंबर थ्री से डिवाइड होगा क्योंकि इसका जो सम ऑफ बिट्स, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो थ्री से डिवाइड होता है। तो कोई बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर आपने इस नंबर को भी चेक करना होता कि ये थ्री से डिवाइड होगा, वैसे तो ये टू से डिवाइड हो जाता है तो इसकी बहस ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन 345 को अगर हम चेक करना चाहें होता है कि नहीं, तो थ्री और फोर सेवन, ठीक है, सेवन और फाइव हो गए हमारे पास 12, तो 12 थ्री से डिवाइड होता है तो ये 345 भी डिवाइड हो जाएगा, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की। तो ये बेसिकली हमारे पास एक चीज़ आ गई, डिविजिबिलिटी रूल थ्री का भी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास डिजिट आ जाता है जो प्राइम नंबर है वो है 5, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही आगे करनी है, तो ये प्राइम नंबर्स की सारी गेम है, तो ये सीखें 5, जिन डिजिट्स के लास्ट पे 0 या 5 होगा, ठीक है, जिन डिजिट्स के लास्ट पे 0 या 5 होगा वो 0 या 5 होगा वो डिवाइड होंगे, ठीक है, 5 से, सिंपल, ठीक है। जिन नंबर्स के एंड पे 0 होगा वो 2 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। तो ये तीन चीज़ें थी जो आपने सीखनी है, इसके बाद मेरा ख्याल है कोई इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि 7 है तो 7 का आप कोई इतना खास डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। तो इसके बाद और किसी नंबर का इतना यूज़ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई है, क्योंकि वो कहीं भी यूज़ होता है कहीं पर नहीं। अगर आपको आता तो आप अपने ओन पे इसको कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली ये तीन ही सिखाता हूँ। तो ये तीन एक और टर्म हमने सीख ली, डिविजिबिलिटी रूल। अब इस चैप्टर को मज़ीद सीखने के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए जो सीखने के लिए, वो है टेबल ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं यहाँ पे एक टेबल ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लिखता हूँ, उसको आप याद कर लें, ठीक है। तो फिर आपको आगे स्क्वायर रूट लेने में मेंटली आसानी होगी। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, 15 तक सिर्फ सीखना है आपने, जैसे आम टेबल सीखते हैं 15 तक उसको भी सीख लें तो आपका मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं डस्टर ले आऊँ, पॉज कर, चलो डस्टर लेके मैंने रेस कर लिया। तो अभी हम बात करते हैं टेबल ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, अगर आप देखें तो स्क्वायर इज अ शेप बेसिकली, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, अब ये 4 है तो इसकी ये साइड भी 4 होगी। सो 4 का अगर स्क्वायर हो तो उसका एरिया होता है 4 बाय 4, दैट इज 16, ठीक है। तो स्क्वायर भी ऐसे ही लिए जाते हैं, लाइक 1 का स्क्वायर होगा 1 बाय 1 इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर होगा 2 बाय 2 इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर होगा 3 बाय 3 इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर होगा 4 बाय 4 इज इक्वल टू 16। इसी तरह आप 15 तक लिख लें, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, अब यहाँ आप देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। डिविजिबिलिटी एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि अगर दो बेसिस एक जैसी हों और मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बिकॉज का सिंबल है, लाइक इस सब फेस ऑफ बफलो, अगर आपको नज़र आ रहा है, फेस ऑफ बफलो, P for buffalo, P for because, मैं इसको उर्दू में भैंस के मुंह बना कहता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास क्या है, एम
ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर बेसिस, ठीक है, ये बेस होती है, ये उसकी एक्सपोनेंट होती है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ए की पावर एम, दिस इज बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस हमेशा नीचे होती है, ये भी आपके लिए नई चीज़ है, उसमें ऐड नहीं थी लेकिन इसमें आ गई अब। तो बेस हमारे पास आ गई, एक्सपोनेंट आ गया। अब हमें पता है कि जब भी एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई होती है उसकी पावर ऐड हो जाती है, इस वजह से इसके ऊपर पावर 2 आ जाती है, इसलिए इसको 4 स्क्वायर बोलते हैं। ठीक हो गया। अब 4 स्क्वायर 4 4 आर 16। ठीक है, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उल्टा होते हैं। ठीक है, अगर 16 4 का स्क्वायर लिया जाए तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का लिया जाए तो वो नंबर होता है जिसका वो नंबर स्क्वायर हो। मतलब 16 4 का स्क्वायर, अगर 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो ये चीज़ याद रखिए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेने में आपको आसानी होगी। तो मैं इसको रेज करता हूँ, चंद स्क्वायर्स लिखता हूँ यहाँ पे सामने। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 इंटू 4 दैट इज 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 इंटू 5 दैट इज 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 इंटू 6 इक्वल 6 स्क्वायर दैट इज 36। अगर आपको नजर आ रहे हैं मैं लिख कर जाता हूँ, 7 इंटू 7 दैट इज 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, और यहाँ तक नज़र आ रहा है 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। तो 8 स्क्वायर आप इसको ऐसे भी आ रहे हैं, 8 8 64, 7 7 49, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 4 4 16, लाइक जैसे टेबल लर्न करते हैं। इसको भी एक बार सीखेंगे सारी ज़िंदगी काम आएगा और सारी ज़िंदगी आप इसको यूटिलाइज करेंगे। जॉन इलिया जैसे बाल हो गए मेरे, है ना, मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ। ठीक है, आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9, 9 जार इक्वल टू 81। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 10, 10 इक्वल टू 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, और 11, 11 जार 11 स्क्वायर 121, और 12 जार दैट इज 12 स्क्वायर 144, 13 इंटू 13 दैट इज 13 स्क्वायर इक्वल टू 169, 14 इंटू 14 इक्वल टू 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 15, 15 इंटू 15 दैट इज 15 स्क्वायर दैट इज 225। मेरे तजर्बे के मुताबिक इतने जो हैं वो काफ़ी होते हैं। इसको थोड़ा सा हमें पास देखना पड़ेगा, यहाँ काम करना पड़ेगा। अब हमारा एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो ये चीज़ हमें चेक करनी थी, अब हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही है। उससे पहले वीडियो पेड़ अगर कर दिया मैंने, लेकिन ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये टेबल ऑफ स्क्वायर है, इसको याद करें। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगले चैप्टर यानी इसी एक्सरसाइज में हम इसको यूज़ करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं आपको सीधी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको कहा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 लें। अब देखें 64 किसका स्क्वायर है। तो अगर हम टेबल ऑफ स्क्वायर बोल रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 आएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं। तो ये टेबल आपने सीखा तो आप इमीडिएटली बहुत जल्दी आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाजूकात पे इसको निकालना नहीं होता, बस हमें यूज़ करना होता है, तो हम इसको मेंटली फिर निकाल सकते हैं। या तो 15 तक टेबल सीखें, आपको काम आएगा। टेबल ऑफ स्क्वायर, टेबल ऑफ स्क्वायर रूट हो गया हमारा। ठीक है, जिसको टेबल ऑफ स्क्वायर आता है उसको टेबल ऑफ स्क्वायर रूट भी आता है। मतलब 4 का स्क्वायर 2 डेफिनेटली, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 4, क्योंकि वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने से वही नंबर अब वापस आ जाता है, रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, कहने से सिंपल। अब आ जाते हैं हम प्राइम नंबर्स की तरफ और कॉम्पोजिट नंबर की तरफ, और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं।
ठीक है, फैक्टर्स जो है वो कोई भी नंबर्स होते हैं जिनसे मिलकर कोई नंबर बना होता है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें कि या जिस नंबर के टेबल में वो चीज़ आ जाती है उसका फैक्टर होता है। अगर हम बात करें टू की, टू सिर्फ वन के टेबल में आता है, देन टू के टेबल में आता है। उसके बाद थ्री ले लेते हैं, थ्री वन के टेबल में, क्योंकि वन के टेबल में थ्री आता है, तो उसके बाद थ्री टू के टेबल में नहीं आता और सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद फोर ले लेते हैं, फोर वन के टेबल में आता है, फोर टू के टेबल में आता है, फोर थ्री के टेबल में नहीं आता, फोर अपने टेबल में आता है। डेफिनेटली फाइव तो बड़ा हो जाएगा, उसके टेबल में तो वो नहीं ना आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइव, फाइव वन के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। आप चेक कर सकते हैं इसको बारी बारी करके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्स, सिक्स वन के टेबल में आता है, सिक्स टू के टेबल में आता है, सिक्स थ्री के टेबल में आता है, सिक्स अपने टेबल में आता है। उसके बाद सेवन, सेवन वन के टेबल में आता है, सेवन टू के टेबल में नहीं आता, सेवन फिर अपने टेबल में आता है। इसी तरह आप आगे भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें कुछ चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, इनमें कुछ खास नंबर ऐसे हैं जैसे ये भी है जो सिर्फ वन और अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो वन और टू उसके फैक्टर्स हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, नंबर दैट हैज़ ओनली टू, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। हर वो नंबर जो सिर्फ वन और अपने टेबल में आए वो प्राइम नंबर होता है। उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट बेसिकली होती है कॉम्पोजिशन है डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनना, मतलब फोर जो है वन टू आर और फोर आर, इन चीज़ों से मिलकर बनाए ये इसके सारे फैक्टर हैं। तो ये था डिफरेंस प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर का। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज वन ए का, डिटरमाइन वेदर या वेदर जो भी आप बोलते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। तो अब आपको पता है नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अब चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं चला दूंगा, वहां से आप लिख लें, अदरवाइज आप उसको बुक खोल के एक्सरसाइज वन ए, एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ वन ए, क्वेश्चन नंबर वन है ये, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं जो आपको आनी चाहिए थी। अब पहला नंबर उन्होंने दे दिया 87। अब 87 आपने चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर नहीं है, ये इसको साबित करने के लिए कि ये प्राइम नंबर नहीं है, आप इसको हर नंबर से डिवाइड करके चेक करें, है ना। कैसी गेम आपको बताइए, हर सारे नंबर से बैठें, शुरू हो जाएं, वन से शुरू करना शुरू करें और चेक करें किसी नंबर में आ तो नहीं जाता। अगर आप इस ध्यान में लग जाएंगे कि ये नंबर 87 तक किसी नंबर में नहीं आता, तो आपको एक ही क्वेश्चन करते बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको इसको एक आसान हल बताता हूँ। आप क्या करें, 87 का स्क्वायर रूट लें। अब आप कहेंगे 87 तो स्क्वायर रूट के टेबल में आता ही नहीं है, चलो इसको रेज कर देते हैं, ये पॉइंट्स में चला जाएगा। अब इसका नियरेस्ट देख लेते हैं, 87 का नियरेस्ट लें तो हमारे पास 9 आ जाता है, ठीक है, हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अगर हम 87 का लेते हैं तो इसका हमारे पास 9 आ गया। अब आप सिर्फ 9 तक प्राइम नंबर्स ले लें, प्राइम नंबर्स में सामने लिख दे तो आपके पास 0 प्राइम नंबर नहीं है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और सो ऑन, ऐसे नंबर दिए हैं प्राइम नंबर्स हैं, इनको कहीं नोट कर लें। यह ये इसी के सारा गेम है। अब आपने करना क्या है, आपने नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लिया, टेबल से आपको याद आया कि 87 का तो नहीं होता, लेकिन इसके करीब जो कंप्लीट स्क्वायर होता है वो 81 होता है। 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 87 का स्क्वायर रूट लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम 9 तक ले लेते हैं। अब 9 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं 87 को सिर्फ उनसे ट्राई करें। अब आपके पास कितने नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, जस्ट 4 नंबर से आपने इसको चेक करना है, 4 नंबर से चेक कर लें इसको आप। अगर ये डिवाइड हो गया तो गुड, नहीं तो फिर ना सही। लेकिन अगर आप ये तरीका नहीं करें तो आपको 87 तक सब नंबर्स के साथ चेक करना पड़ेगा। तो इस वे को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाजम नहीं कि इस क्वेश्चन में तो इसी में इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब 87 को हम चेक करेंगे 9 तक प्राइम नंबर्स के साथ सिर्फ। तो पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2। अब 87 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, इज डिविजिबल बाय 2 आर नॉट, चेक करना पड़ेगा हमें। नहीं, मैंने क्यों इधर क्रॉस लगा दिया, बिकॉज इट्स नॉट अ इवन नंबर, हमने इवन और ऑड सीखे इसलिए थे और डिविजिबिलिटी रूल भी इसलिए सीखा था। नेक्स्ट नंबर 3
थ्री है ना नेक्स्ट नंबर 87। अब 8 और 7 को हम प्लस करते हैं, अगर हम 8 और 7 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 15। 15 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। सो 87 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा जितना भी आए। डिविजिबिलिटी रूल हमने लिख दिया ना, आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लिखे तो आप लिख सकते हैं कि ये क्योंकि डिविजिबल है बाय 3 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 1 के और अपने टेबल में आता है। तो ये तो 3 के टेबल में आ गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सो 87 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर आप और एफिशिएंट बनना चाहें, एफिशिएंट बनना चाहें, तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं कि ये इससे होगा। ये फ़ायदा था इवन ऑड प्राइम नंबर सीखने का और डिविजिबिलिटी रूल सीखने का। अब ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, अगर आपने सारी वीडियो देखी है। 67 स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 67 के नियरेस्ट स्क्वायर रूट अगर अपना टेबल देखें तो 64 कंप्लीट स्क्वायर है, वो 8 होगा। अब 8 तक मतलब 2, 3 और 5, 7 8 तक प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके चेक कर लें। अब पहला नंबर जो है वो 2 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता बिकॉज इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, लास्ट डिजिट 7 है, ये प्राइम नंबर नहीं है। फर्क 67 को अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 6 और 6, 12, 13 आता है, तो 13 क्योंकि इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 13 आता है। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। उसके बाद 5 के तो दो ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। 67 ना तो इसका लास्ट डिजिट 5 है ना 0 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। पीछे रह गया 7, 7 का कोई नहीं होता, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं इसमें कौन सा इतना इशू है, ठीक है। अब 7 के टेबल में देखें, 7 10 टाइम 70 होगा, 7 9 टाइम 63 याद है, ये भी नहीं डिविजिबल हुआ। तो इट मीन्स कि अगर ये 8 तक प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो ये आगे भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये ट्रिक है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं हुआ, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो इसके ऊपर डिविजिबिलिटी यानी प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूरी हो सकती है। नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो इसके ऊपर पूरी आ गई हमारी डिविजिबिलिटी रूल की डेफिनेशन, तो ये प्राइम नंबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये देखिए एक क्वेश्चन है, 30 मिनट्स खा गए हमारे। अब आ गया हमारे पास 73 आ गया हमारे पास, 73 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 73 के करीब देखें, 8 8 64 ही आ रहा है, क्योंकि 9 9 10 तो 81 हो जाता है। सपोज हम 9 भी रख लेते हैं तो 9 भी 7 तक की प्राइम नंबर होंगे, तो 8 आ गया हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली। 8 आने की वजह से अब हम इसको 8 तक प्राइम नंबर्स के साथ चेक करेंगे, तो 8 तक प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करके चेक करते हैं। तो पहला डिजिट 2 आ गया, तो ये डिविजिबल बाय 2 है नहीं है बिकॉज इट्स नॉट अ इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर सॉरी। उसके बाद हमारे पास आ गया इट्स एन ऑड नंबर। उसके बाद हमारे पास आ गया है क्या, 3 की डिविजिबिलिटी रूल। इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 प्लस 3 10 आ गया, ना 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, इस वजह से ये नंबर भी नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आ गया 73, 5 से डिवाइड करना है क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 होगा। ऑर्डर वाइज चले कभी गलती नहीं होगी, 5 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी कैंसिल। अब लास्ट जो ट्रैक है 7, 7 10s are 70 होता है और 7 11s are 77 होगा, टेबल से पता लग जाता है। अदरवाइज आप डिवाइड करके कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इस क्लास में वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे वो क्वेश्चन बोलेगा कि आप क्वेश्चन यूज करके इसको करें, तो अगर हम उसको भी यूज़ करते हैं तो फिर ये आपका ये सीन हो जाता है। तो अब आपका नेक्स्ट, तो इट मीन्स ये भी प्राइम नंबर है, ये भी नहीं डिवाइड होता, ठीक है। तो इसका रीज़न लिख रहे हैं आप, इंग्लिश माशाल्लाह आप सबकी ठीक है, तो इसका रीज़न लिख रहे हैं। उसके बाद डी पार्ट आ गया हमारे पास 91, डी पार्ट हमारे पास आ गया 91। 91 में हम क्या करेंगे कि 91 को पहले से चेक करना पड़ेगा एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। सॉरी 9 9s are 81 और 10 10s are 100। सपोज हम 10 भी इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसका 9 ही आएगा, यहाँ 10 सपोज कर ले, लेकिन 9 और 10 तक भी अगर ले तो वो पहले 60 प्राइम नंबर्स ही आएंगे, मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, यहाँ तक ही चेक करना है। तो 2 से चेक करते हैं इसको, नहीं होता बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर। उसके बाद 3 से चेक करते हैं, 9 प्लस 1 10 आ गया, 3 से भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 5 आ गया, इसका ना तो लास्ट डिजिट 0 है ना 5 है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होता। पीछे रह गया 7, 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 91, 7 1s are
7 - 2 = 17 3 = 21। जी ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 91 डिवाइड हो जाता है 7 से, 7 - 1 = 7, हाँ बिल्कुल हो रहा है मेरे पास, तो हमारे पास आ गया 21। लेकिन इन्होंने जो है ना इट्स लार्ज 947 इज प्राइम नंबर, उन्होंने तो प्राइम नंबर लिखा हुआ है इसको, मेरे पास तो ये डिवाइड हो गया है, चेक करना पड़ेगा, मैंने इसे गलत तो नहीं किया, किया तो मैंने ठीक ही है, 7 - 1 = 7 जाहिर है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो जो मेरे पास की पड़ी है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, उन्होंने तो इसको लिखा हुआ है कि ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है, हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन को आगे पीछे गड़बड़ मचाई हो, लेकिन मेरे पास तो ये 7 से हो गया अगर मैंने ठीक किया तो, ठीक है। तो इतना सा सीन था, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको चेक कर लीजिएगा खुद क्योंकि अभी की कंफ्यूज कर रही है।